सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांश। आप लोग देख रहे हो प्रियांश गैरेज। तो भाई आज हम लोग आ चुके हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी कार आपके लिए लेके। आज हम लोग आ चुके हैं होंडा के शोरूम। आज कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं होंडा WRV के बारे में। कंप्लीट डिटेल में इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन, इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके कलर ऑप्शन से। तो यहाँ पर आपको गोल्डन ब्राउन, मॉडर्न स्टील, प्लैटिनम वाइट, रेडियंट रेड, लूनर सिल्वर, प्रीमियम एम्बर, ऐसे कई तरह के आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको जो एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलता है वो होता है 9,19,000 से लेकर 12,31,000 तक आपको एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको SV एंड VX ऐसे दो वेरिएंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। और आप अभी इसका VX टॉप मॉडल देख रहे हैं। अगर पेट्रोल में परचेस करते हैं तो आपको पड़ता है ये 9,99,000 रुपये का एक्स शोरूम। और वही अगर ऑन रोड लखनऊ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पड़ता है आपको 11,46,000 रुपये का ऑन रोड लखनऊ। डीजल में परचेस करना चाहते हैं तो आपको पड़ जाएगा ये 12,35,000 का एक्स शोरूम। और ऑन रोड लखनऊ की बात करिए तो यहाँ पर पड़ता है आपको 14,43,000 रुपये का ऑन रोड लखनऊ। अगर इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको दो इंजन ऑफर किए जा रहे हैं। पहला इंजन मिलता है आपको 1.2 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 90 BHP 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। एवरेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 16 तक की माइलेज पेट्रोल में देखने को मिल जाती है। दूसरा इंजन मिलता है आपको 1.5 लीटर का IDTEC डीजल इंजन, जो कि 100 BHP और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आता है। और डीजल में अगर एवरेज की बात करें तो 24 तक की माइलेज आपको देखने को मिल जाती है। 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब शुरुआत करते हैं इसकी की फॉब से। तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ की देखने को मिल जाती है। दोनों ही आपको स्मार्ट की ऑफर की जा रही है। लॉक अनलॉक दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे की तरफ आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ, फिर उसके बाद चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर में। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ऐसी कुछ यहाँ पर आपको फ्रंट प्रोफाइल ऑफर की जा रही है, जो कि काफ़ी इन्हेंस लगती है देखने में। सेंटर में आपको काफ़ी बड़ा सा होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ को काफ़ी सारा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ग्रिल की बात की तो ऐसी कुछ आपको ब्लैक कलर पर ग्रिल ऑफर की जा रही है। उसी के नीचे आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, फ्रंट और रियर दोनों में ही। गाड़ी के नाइट विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इनके डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी प्रोजेक्टर ऑफर किए जा रहे हैं। साइड में आपको टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट एंड DRL देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप ऑफर किए जा रहे हैं। उसी बगल में आपको टोनिक को हॉर्स देखने को मिल जाता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि कॉम्पैक्ट SUV कार के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। आपको यहाँ पर ख़राब रास्तों में काफ़ी मदद करने वाला है। बढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ, आपको दिखाते हैं यहाँ पर साइड प्रोफाइल में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कुछ लगती है इसकी साइड प्रोफाइल। इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। नीचे से अगर मैं आपको गाड़ी का व्हील बेस दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 2555 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जिससे आपको अंदर की तरफ स्पेस काफ़ी सारा मिल जाएगा। गाड़ी के डायमेंशंस की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको 3999 mm की लेंथ देखने को जाती है, 1734 mm की विड्थ देखने को मिलती है, 1601 mm की यहाँ पर आपको हाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इतनी चौड़ी सी ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाएगी। सस्पेंशन का डेवलप आपको इतना कुछ देखने को मिल जाता है। और 16 इंच के डायमंड कट अलॉयस ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बीच में आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 195/60 R16 के टायर मिलते हैं, जो कि इनकी साइड जो प्रोफाइल है और इनका जो लुक्स है काफ़ी इन्हेंस लगते हैं देखने में। बढ़ते हैं गाड़ी की ORVMs की तरफ। तो यहाँ पर आपको लेफ्टली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल दोनों का ही ऑप्शन देखने में आता है। बाकी बॉडी कलर पर आपको ORVMs ऑफर किए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। इनकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको इसी में ही देखने को मिल जाती है, काफ़ी पतली से आपको पट्टी देखने को मिलेगी। बाकी रूफ में आपको रूफ रेल्स, सनरूफ एंड पीछे की तरफ आपको शार्फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। और ए पिलर आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। क्रोम ट्रीटमेंट के आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे। तो रियर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रम बैक में देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। बाकी काफ़ी चौड़ी से आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर की। यहाँ पर मिलता है आपको फ्यूल फिलर कैप। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिली है, जो कि काफ़ी इनअब है लॉन्ग रूट के लिए। रियर प्रोफाइल से अगर देखेंगे होंडा WRV को तो ऐसी भी लगती है इसकी रियर प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके जो टेल लैम्प्स वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बढ़ते हैं रियर में। तो फ्रंट में आपको बिल्कुल सेंटर में तो होंडा का काफ़ी बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है। WRV की बैजिंग आपको इधर साइड मिल जाएगी और इसके इधर तरफ मिलती है आपको IVTEC की बैजिंग। नीचे आपको मिल जाता है काफ़ी सारा क्रोम ट्रीटमेंट। उसी के नीचे अगर बैठ के देखेंगे तो बैक कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी नीचे की तरफ आपको सिल्वर फिनिश में स्किड मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लाइट और शार्फिन एंटीना, बाकी रूफ रेल ऑफर की जा रही है।
गाड़ी के टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैंप्स ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसा को लगता है इनका सेटअप काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट और रिवर्स लाइट आपको हैलोजन में देखने को मिल जाता है। बाकी इसका सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी रात में जब ये चलते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है। नीचे से अगर बैठ के दिखाऊँ तो ऐसी लगती है इसके नीचे से पूरी बॉडी। अब बढ़ते हैं गाड़ी की बैक सेटिंग की तरफ, आपको दिखाते हैं बैक लेग स्पेस, हेड स्पेस और कितना कुछ यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्रोम डोर हेडल्स ऑफर किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनको करते हैं ओपन, आपको दिखाते हैं बैक डोर्स। डोर ट्रिम की बात करें तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर मिल जाएगा। सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी पावर विंडो कंट्रोल्स, थोड़ा सा स्पेस, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट। अंदर स्पेस की बात करें तो स्पेसियस कैबिन मिल रहा है आपको। दो हेडरेस्ट मिल रहे हैं जो कि फिक्स्ड है, आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सेटिंग की बात कर लिया तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको सीट्स ऑफर की जा रही हैं। बैठते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर, आपको दिखाते हैं गाड़ी का लेग स्पेस कितना कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मेरी हाइट 5'11" के आसपास है, आपको इतना कुछ लेग स्पेस देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको कोई भी ऐसी इवेंट ऑफर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ फ्रंट के लिए आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। हेड स्पेस की बात करें तो इतना कुछ मिल जाएगा। नी स्पेस भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी आप साइड में ग्रैब हैंडल्स मिल जाएगा आपको, तो स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर पीछे वालों के लिए कोई भी आर्मरेस्ट ऑफर नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। साइड में ग्रैब हैंडल्स, रीडिंग लाइट, बाकी सनरूफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पीछे से अगर फ्रंट डैशबोर्ड दिखाऊँ तो ऐसे भी लगता है इसका प्रीमियम डैशबोर्ड। निकलते हैं गाड़ी के बाहर, चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीटिंग तरफ, खुद दिखाते हैं ड्राइवर साइड डोर से अंदर का पूरा इंटीरियर। तो यहाँ पर मिलती है आपको क्लियर एंट्री, रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको करते हैं प्रेस, करते हैं गाड़ी को अनलॉक, खोलते हैं डोर्स को, खुद दिखाते हैं ड्राइवर साइड डोर्स। डोर ट्रिम की बात कर ली जाए तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश डोर ओपनर, लॉक अनलॉक और RBMs के सारे कंट्रोल्स, पावर विंडो के सारे कंट्रोल, थोड़ा स्पेस, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पर आपको सीट्स ऑफर की जा रही हैं। हेडरेस्ट मिल रहे हैं जो एडजस्टेबल है, आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। सीट आपको काफ़ी गहरी मिलती है जिससे कि आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट, रिक्लाइनर दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको फ्यूल ओपनर, बोनट ओपनर, मैनुअल के ABC पेडल्स मिल जाते हैं बिकॉज इसमें सिर्फ मैनुअल वेरिएंट आता है, लाइट ट्रेवलर। यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है या मोबाइल अपना कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसे को लगता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड पूरा। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश भी देखने को मिल जाती है थोड़ी सी। आगे अगर डैशबोर्ड विजिबिलिटी की बात करें तो ऐसे भी मिलती है आगे से विजिबिलिटी, बम्पर टू बम्पर आप इसको आराम से ड्राइव कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। हेड स्पेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको इतना कुछ, या सीट को करते हैं रिक्लाइन, अगर हेड स्पेस की कर लें बात तो इतना कुछ आपको हेड स्पेस मिल रहा है, नी स्पेस मिल रहा है इतना कुछ। साइड में कोई भी ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं किया जा रहा है, तो काफ़ी ठीक ठाक आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। स्मार्ट की ऑफर की जा रही तो सीट की को आप रखते हैं साइड में। यहाँ पर मिलता है आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप बटन, इधर तरफ आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता है पुश बटन स्टार्ट, इसको करते हैं प्रेस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ऐसे कुछ मिलता है आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारी चेक लाइट्स मिल जाती हैं। स्पीडोमीटर आपको 220 तक की टॉप स्पीड मिल जाएगी। इधर मिलता है आपको RPM मीटर, MID आपको यहाँ पर दी जा रही है। ऊपर आपको मिलता है लीवर, इस लीवर के थ्रू आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप वन, ट्रिप टू, एवरेज रेंज सभी कुछ यहाँ पर आपको मॉनिटर करता है और इसकी MID भी काफ़ी अच्छी लगती है साइड में देखने में। ये तो हो गई क्लस्टर की बात, अब बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की। तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको स्टीयरिंग ऑफर किया जा रहा है। सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। बाकी इधर तक आपको मीडिया के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है टॉप वेरिएंट में। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स, इधर तो आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। AC इवेंट की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 AC इवेंट ऑफर किए जा रहे हैं आपको फ्रंट में। बाकी यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स। सेंटर कंसोल की बात करें तो AC इवेंट, 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, सभी कुछ आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हेजलाइट का बटन मिल जाता है। सबसे ज़्यादा पर्सनली मुझे जो पसंद है ये इसका जो टचेबल है, उसका पूरा जो कंट्रोल पैनल है ना AC का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार। इसको टच करो आप, पूरा कंट्रोल करो। बाकी नीचे आपको पावर सॉकेट मिल जाएगा 12 वॉट का, उसके बगल में आपको USB सॉकेट मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट। बाकी मोबाइल के लिए थोड़ा सा स्पेस आपको नीचे मिल जाएगा। 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। बाकी 5 गियर मैनुअल ट्रांजेक्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा। आर्मरेस्ट मिल रहा है फ्रंट के लिए,
बस पीछे वालों के लिए अब आमरेस्ट नहीं मिला है, वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मिला। यहाँ पर आपको 12 वाट का सॉकेट भी मिल जाता है आमरेस्ट में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ़ोन आप यहाँ पर रख के चार्ज कर सकते हैं, फोन आपका सिक्योर भी रहेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना कुछ यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स ऑफर किया जा रहा है, कोल्ड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी साइड में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स, पैसेंजर साइड आपको वारंटी मिरर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंटी मिरर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ड्राइवर साइड की बात कर ली जाए तो देखते हैं जरा, ड्राइवर साइड भी आपको शायद यहाँ पर सेम देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको सेंटर में रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM देखने को मिल जाएगा। रूफ़ की बात कर लिया तो यहाँ पर आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है, स्पेस भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। सनरूफ को करते हैं जरा एक बार ओपन, इसको करते हैं प्रेस तो हमारा यहाँ पर सनरूफ ओपन हो जाएगा। तो स्पेस की बात करें तो यहाँ पर छोटा बच्चा आराम से निकल सकता है, बाकी बड़ों का मैं इतना बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं एक बार निकलूँगा तो आपको अपडेट करूँगा। बाकी स्पेस मुझे यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है, कर दें सनरूफ को बंद। तो यही था कुछ इसका अंदर का पूरा इंटीरियर, कैसा लगा मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटिंग लगी, कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी भी लगी इसमें। तो गाड़ी को करते हैं बंद, निकलते हैं गाड़ी के बाहर, बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ABS, UD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन एम्बुलाइजर, क्रैश सेंसर, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इसी के साथ इसमें दो एयरबैग्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे आपको बड़े बड़े फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर प्राइसिंग की दोबारा से बात कर ली जाए तो अभी आप इसका देख रहे हैं VX टॉप मॉडल, पेट्रोल में परचेस करना चाहते हैं तो आपको पड़ता है 9,99,000 रुपये का एक्स शोरूम, और 11,46,000 का पड़ जाएगा आपको ये ऑन रोड लखनऊ। डीजल में परचेस करना चाहते हैं तो आपको पड़ता है ये 12,35,000 का एक्स शोरूम। वहीं अगर ऑन रोड लखनऊ की बात करी जाए तो आपको पड़ता है 14,43,000 रुपये का ऑन रोड लखनऊ। तो यही थी होंडा WRV अपने सेगमेंट की कॉम्पैक्ट SUV कार, कैसे लगी एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू एरसनी होंडा लालबाग लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। बाकी अगर आपको कोई गाड़ी परचेस करनी है तो आप इस शोरूम में विजिट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मुझे ये गाड़ी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही हम लोग नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। मैं प्रियंश, तब तक के लिए गुड बाय।